आज 10वीं लड़की से मिल रहा हूँ, उम्मीद है आज बात बन जाएगी। यार शादी कर लो, फिर बीवी के साथ सेलिंग करूंगा, बहुत मजा आएगा। तू राइडर है या चलाते हैं टैंक? सर आप कैप्टन हो, मैं चलाती हूँ टैंक का, और यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा चला लेता हूँ। सीन में पूछा क्या चलाते? सेला, मैं सब कुछ चलाता हूँ। पहले गाड़ी साइड में लगा के उसको फोन कर लेता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो आज? हाँ रेडी हो गई हूँ। कहाँ मिलना है? यहीं पे मिलते हैं, यहाँ बाजू में एक गार्डन है छोटा सा ना। मैं तो रेडी हूँ। ठीक है, ओके बाय। हाय। हाय, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ, आप? मैं भी सही हूँ। ये जगह सही है, कंफर्टेबल है आपके लिए? हमने ही तो चूज़ की है। ओके, मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया? नहीं, हम तो यहीं पास में रहते हैं। आपने मुझसे पहले कोई लड़के देखे हैं? हाँ जी, कुछ तो देखे हैं, थोड़े बहुत, बट कोई पसंद नहीं आया। और आपने? मैं, आप तो 10वीं लड़की हो और मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट हो जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हो चुका हूँ ऑलरेडी। सो आप जॉब करती हैं? जी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ, लेक्चरर हूँ। मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, मुझे तो सैटरडे संडे बहुत ही बोर हो जाता है। और आपको? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी मेरा काम बहुत पसंद है। अगर काम पसंद ना हो तो वो काम नहीं, एक सज़ा बन जाती है आपके लिए। मुझे तो सेलिंग में ही मज़ा है। मुझे तो सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है, सेलिंग में सच में बहुत मज़ा आता होगा। मुझे बस एक डाउट था, आप कितने महीने सेलिंग करते हैं? अभी तो मैं चीफ ऑफिसर हूँ, तो मैं 4 महीने सेलिंग करता हूँ, मगर कुछ सालों में मैं कैप्टन बन जाऊँगा, तो फिर मैं चाहूँ तो ऐसी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ जहाँ की मुझे 3 महीने सेलिंग करना पड़े और उसके बाद मैं 3 महीने घर पे रह सकता हूँ। तो जब आप सेलिंग करते हैं तो आप बीच में घर आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जहाज़ समुंदर में सेलिंग करता है और समुंदर से आप घर पे नहीं आ सकते, बीच में आपको शिप पर ही रहना पड़ता है। अच्छा, तो क्या मुझे भी जॉब मिल सकती है शिप पे? मुझे क्या जॉब मिल सकती है? आपको चिप पे कोई जॉब नहीं मिल सकती, आप एज अ सीनियर ऑफिसर्स को ये कंपनी ने फैसिलिटी दी हुई है कि आप चाहो तो अपनी फैमिली को शिप पे लेके जा सकते हो, सो दैट आप लोग शिप पे भी अपने फ्री टाइम में अपना टाइम स्पेंड कर सको। आपको जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन आपको करना ही है काम, तो मैं अपना चीफ ऑफिसर में, मेरा बहुत पेपर वर्क होता है, तो वो पेपर वर्क मैं आपको दे सकता हूँ, तो उसके लिए, लेकिन आपको सिर्फ मेरी हेल्प कर सकते, मतलब मैं समझा सकता हूँ आपको। नहीं, बट कुछ तो काम होता होगा जहाँ लेडीज़ भी ज्वाइन कर सकती है, कुछ किसी को कुछ पढ़ाना हो या कुछ मेरा पर्टिकुलर वर्क? अरे ऐसा कुछ नहीं होता शिप पे लोग काम करके इतने परेशान रहते हैं, उसके बाद और कुछ करने का उनको ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें सही में काम करना है तो मैं अपना कुछ काम तुम्हें दे दूँगा जिसके पैसे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पैसे तो एक सैलरी जो चीफ ऑफिसर की होती है बस वही मिलेगी। अरे आप तो दुखी हो गए। ऐसा कुछ दुखी होने वाली बात नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज शिप में जाती हैं और वो एंजॉय करती हैं, उन्हें घूमने मिलता है, उन्हें खाना नहीं बनाना, उन्हें कोई सफाई नहीं करनी, अपने मूवीज़ पे मूवी देख सकते हैं आप, अपना हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, और कई बार आप गैली में जाके अगर आपको बहुत दिल करे तो आप कुछ बना भी सकते हैं, और बाकी के ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग बातें भी करते हैं, और मज़े की बात तो ये है कि शिप अलग अलग पोर्ट्स में जाता है,
तो फिर आप वहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, नई नई जगह आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, इतना फ़ायदा है। ऐसे कोई दुखी होने की कोई बात नहीं है इसमें। नहीं, हमें तो कुकिंग पसंद नहीं है और घूमने का भी ज़्यादा शौक़ नहीं है, बस काम करना पसंद है। तो मैं तो मतलब हम बहुत सेंसिटिव लड़की हैं, हम पता नहीं हम कैसे दूर रहेंगे जब आप सेलिंग करोगे तो। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि चार चार महीने, छः छः महीने कोई कैसे दूर रहता होगा। आप बीच में आ भी नहीं सकते हो, मतलब बीच में कभी तो छुट्टी मिलती होगी। अरे ऐसा नहीं होता है, देखो आईटी में जो जॉब करते हैं वो भी तो वन ईयर तक बाहर रहते हैं, वो कौन सा बीच में आ जाते हैं। हमारा तो फिर भी ठीक है, चार महीना तीन महीना फिर तो हम वापस आते ही है ना घर में। और कनेक्टिविटी आजकल जहाज पे बहुत अच्छी हो गई है, इंटरनेट आ गया, आप व्हाट्सएप करो इंटरनेट फैसिलिटी आपको मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, रोज़ वीडियो कॉल वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती है। और अगर हम कभी बीमार हो गए तो फिर हम कैसे बुलाएंगे आपको? हाँ ये बात तो मानता हूँ कि इमरजेंसी में हम शिप से नहीं आ सकते और ये एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है हमारा, लेकिन आपको खुद इतना स्मार्ट हो, पढ़ी लिखी हो, आपको तो खुद हैंडल करने आना चाहिए सब कुछ। अगर बीमार हो गए तो हॉस्पिटल का तो एड्रेस आपको पता ही होगा किधर जाना है। हमसे नहीं हो पाएगा ये, मतलब हम तो ये सोच भी नहीं सकते कैसे दूर रहेंगे, हमसे नहीं होगा ये। अरे यार तुम दसवीं लड़की हो यार। अरे नहीं क्या मतलब, अगर तुम्हें शिप पे नहीं भी आना है, जॉब करना है तो वो भी चलेगा, शिप पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पे जॉब कर सकती हो, मैं वहाँ पे सेलिंग कर सकता हूँ, चार महीने तीन महीने सेलिंग करके फिर आऊँगा, फिर पूरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा, इतना कोई तकलीफ़ नहीं होती। बहुत सारी लड़कियाँ खुश भी हैं, मैं आपको नंबर वगैरह दे सकता हूँ जिनकी शादी हुई। नहीं हमें माफ़ कीजिए, हमारा तो रो रो के ही बुरा हाल हो जाएगा, बस माफ़ कर दीजिए। अरे तुम ऐसे सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हो यार, ठीक है रिश्ते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है। तुम बिंदास लड़के देखो, मैं भी बिंदास लड़कियाँ देखता हूँ, हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। चलो शादी तो नहीं लेकिन नंबर तो है ही मेरे पास, टच में रहेंगे, व्हाट्सएप के जोक वोक भेजना मेरे को, टाइम पास करेंगे। मैं आपको टीचर स्टूडेंट्स वाले जोक भेजूंगी। और मैं तुमको उससे भी अच्छे जोक्स भेजूंगा। ठीक है, सबके लिए कोई ना कोई बना है, मिल जाएगा। चलो थैंक यू। चलो ठीक है, प्लेजर मीटिंग यू, बाय बाय। सेम हियर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए। शिप सेलर सुनील, स्टे फिट, जय हिंद। और जो नए हैं जिन्हें पता नहीं है, एक्चुअली हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और हमारा एक बच्चा भी है 3 साल का। हाँ 10 साल बहुत टाइम हो गया इसको ना? फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे @ranjana43। और ये भी रेडी हुई है हमारे साथ, बस घूमने के लिए जा रही है और मैं भी रेडी हुआ हूँ। और आज का हमारा प्लान है, हमारा जो एपिसोड 1 जो कि जिसमें कि हम लोग काफ़ी मिस्टेक कर रहे थे, कैमरे में देख रहे थे ये वो, तो उसको आज अवॉइड करेंगे। आज हम शूट कर रहे हैं जहाजी को लड़की नहीं मिली एपिसोड 2। मम्मा ब्यूटीफुल लग रही है ना, मम्मा रेडी होती है तो ब्यूटीफुल लगती है, जैसे कि आप ब्यूटीफुल लगते हो हमेशा। डायलॉग बोलते टाइम हमें कैमरे को तेरा, इसलिए मैंने अलग लिख दिया था। नहीं नहीं तू बताती रहे ना, वो बेटर है। हो गया, अब ये तुम पूछना। भाई ब्लॉगर है, बिना कैमरे में देखे अपना काम नहीं चलता। पोस्ट स्क्रिप्ट पे डालूंगा इसको मैं। हाँ भाई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना, रिकॉर्ड करते रहे। एक एक शॉट के लिए ट्राइपॉड लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, कैमरे मत देखो, डायलॉग बोलो। मैं दुखी हो जाऊंगी, मेरे दुखी हो जाऊंगी तो बोलना कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत। मूवी शूटिंग के टाइम पे सर्दी नहीं होनी चाहिए, एडिटिंग में वाट लग जाती है। आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, ये सब एडिटिंग में निकालना पड़ता है।